तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें ब्लड ग्रुप दिखाया गया है। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्लड ग्रुप चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? रक्त समूह ए। दूसरा क्या है? बी। तीसरा क्या है? ए बी। और चौथा क्या है? ओ। तो ये चार प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, और ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण किया जाता है किसके आधार पर किया जाता है? एंटीजन के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? एंटीजन के आधार पर किया जाता है। तो एंटीजन यहाँ पे कौन सा है? ए बी और ए बी। तो जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। जिस व्यक्ति में एंटीजन बी पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। और जिसमें दोनों एंटीजन ए और बी पाए जाएंगे उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा भाई? ए बी होगा। और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। कौन सा होगा? ओ होगा। तो अब ये हमारा ब्लड ग्रुप हुआ। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण क्यों किया गया और ब्लड ग्रुप के इतिहास क्या है इसका खोज करने का। तो आइए चल के देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड ग्रुप का निर्धारण के लिए, तो इसके लिए हम कहां चलते हैं? तो सबसे पहले हम कहां चलेंगे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कहां चलेंगे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चलते हैं क्योंकि शुरुआत तो यहीं से हुई है। तो यहां पे आप जानते हैं एक लाइन जाती है जिसका नाम क्या है? इक्वेटर। क्या नाम है? इक्वेटर। जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। क्या नाम है? विषुवत रेखा। जो कितने देशों से होकर जाती है? तो लगभग 6 देशों से जाती है। जैसे पहला यहां पे होगा गेबोन, यहां पे फिर है कांगो, और यहां पे आएगा आपका प्रजातांत्रिक कांगो या डीआर कांगो बोलते हैं। फिर आता है यहां पे एक देश है युगांडा। कौन सा देश है? युगांडा। यहां युगांडा है, और इसी से साथ लगा हुआ है कीनिया। कौन सा देश है ये? कीनिया। और ऐसे पतला सा देश क्या है? सोमालिया। ये 6 देशों से आती है। तो यहां हम ज्योग्राफी नहीं साइंस पढ़ रहे हैं, थोड़ा रिफरेंस ले रहे हैं ज्योग्राफी का। युगांडा जो देश है यहाँ पे एक डॉक्टर रहते थे जिनका नाम है कार्ल एंड स्टीनर। क्या नाम है इनका? डॉक्टर साहब का क्या नाम है भाई? कार्ल एंड स्टीनर। ये कार्ल एंड स्टीनर साहब रहते थे। तो कार्ल एंड स्टीनर साहब ने जब वहां पे थे युगांडा में, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तब की बात है, कार्ल एंड स्टीनर ने देखा कि एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? मुन्ना। क्या नाम है? मुन्ना। और इस मुन्ना को क्या हो जाती है? चोट लग जाती है। जब चोट लग जाएगी तो मुन्ना से क्या, बॉडी से क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा। क्या निकल रहा है? ब्लड। ब्लड निकला तो रक्त की कमी हो गई। तो इस रक्त की कमी को पूरा करने के लिए क्या किया गया? इसको एक फीमेल थी जिसका इसको ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसका नाम क्या था? मुन्नी। क्या नाम है? मुन्नी। तो मुन्नी का जब ब्लड चढ़ाया गया तो मुन्ना की लाइफ क्या हो गई? सेफ हो गई। ये घटना। मुन्ना को किसका ब्लड दिया गया? मुन्नी का ब्लड दिया गया। तो उसकी लाइफ क्या हो गई भाई? सेफ हो गई। क्योंकि ब्लड की कमी होती, चोट लगी तो ब्लड चढ़ा दिया गया। अब दोबारा मुन्ना को चोट लगती है, फिर ब्लड निकलता है, सेकेंड टाइम है, फिर एक्सीडेंट होता है, फिर ब्लड बाजी से निकल रहा, लेकिन इस बार मुन्नी नहीं है। तो इनको एक तीसरे व्यक्ति का ब्लड दिया गया जिसका नाम क्या था? माइकल। क्या नाम था? माइकल। तो इस माइकल को जो ब्लड दिया गया इसको मुन्ना को, तो क्या हो गया? इसकी डेथ हो गई। इसकी डेथ हो गई। इस बात को कार्ल एंड स्टीनर साहब ने बहुत ध्यान से देखा कि एक व्यक्ति को जब दूसरे व्यक्ति का ब्लड दिया जाता है तो कभी वो बच जाता है, लेकिन फिर दूसरे बार जब किसी दूसरे व्यक्ति का दिया जाता है तो क्या हो जाता है? उसकी डेथ हो जाती है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? सोचा कि ब्लड में जरूर कुछ ऐसी बात होगी जिसके कारण ऐसा हुआ है। घटना क्या थी? मुन्ना को चोट लगी तो मुन्नी का दिया गया तो सेफ हो गया,
फिर उसको माइकल का दिया गया तो डेथ हो गई। तो ब्लड तो देखी जैसा दिखता है, इसका मतलब ब्लड के अंदर कुछ बात थी जिसके कारण किसकी डेथ हुई, मुन्ना की डेथ हो गई। तो इस चीज को पता लगाने के लिए उन्होंने एक बंदर की खोज की। बंदर जो था उसका नाम था रीसस। रीसस प्रजाति के एक बंदर को खोजा। बंदर को क्यों खोजा, तो इस बंदर को देख लेते हैं। एक बंदर है जिसका नाम क्या है, रीसस प्रजाति का बंदर है भाई ये। तो बंदर को इसलिए खोजा गया कि ये बंदर क्या था, बंदरों से ही मनुष्य का क्या माना गया है, विकास माना गया है। बंदर से ही मनुष्य का तो विकास माना है। बंदर से क्या बने, कपी, कपी से क्या बन गए, मनुष्य, होमो सेपियंस, इससे पहले क्रोमगैन नियंडरथल बने, तो इसके बाद क्या बना, होमो सेपियंस। तो उन्होंने सोचा अगर बंदर के ब्लड में भी ये चीज होगी तो वो मनुष्य में जरूर पाई जाएगी। तो जब इसका ब्लड खोजा गया तो इसके ब्लड में दो प्रकार के एंटीजन मिलते हैं। ब्लड में क्या मिलते हैं, दो प्रकार के एंटीजन। एंटीजन का मतलब प्रोटीन मिलते हैं। इस ब्लड में दो प्रकार के एंटीजन हैं। क्या है, दो प्रकार के एंटीजन हैं। तो इस एंटीजन को जब खोजा गया तो ये एंटीजन प्रोटीन होते हैं जो दो प्रकार थे, ए और बी। तो इन्हीं एंटीजन ए बी प्रकार के दो एंटीजनों के आधार पर ब्लड ग्रुप की व्याख्या की गई। सन कब, 1902 में। सन था 1902 में, कहां था, युगांडा में। तो एंटीजन दो प्रकार के हुए, ए और बी। इसमें चार प्रकार के ब्लड ग्रुप की खोज की गई और इस आधार पर बताया गया कि किसका ब्लड ग्रुप क्या होगा और किसको कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जाए जिससे उसकी लाइफ क्या हो, सेफ हो। तो इस चीज को देखने के लिए कि चारों एंटीजन दो हैं, तो जिसमें एंटीजन ए पाया जाए, और एंटीजन कहां पाए जाते हैं, आरबीसी में पाए जाते हैं। इस एंटीजन का निर्माण आरबीसी क्या करता है, स्वयं आरबीसी सेल पे एंटीजन पाए जाते हैं। और यही एंटीजन जब किसी ब्लड का ट्रांसप्लांट किया जाता है या किसी अंग को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो यही एंटीजन अगर मैच कर जाते हैं या बॉडी तो एक्सेप्ट कर लेती है उस ऑर्गन को, अगर नहीं मैच करते हैं तो इनको बॉडी उस ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है। ये एंटीजन आरबीसी स्वयं बनाती है जो उसके सतह पे पाई जाती है, आरबीसी के सरफेस पे। एंटीजन ए से जिसके पास होगा उसका ब्लड ग्रुप ए है, जिसके पास एंटीजन बी है उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, जिसमें दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी, और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ। तो ब्लड ग्रुपों में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, जबकि ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, और ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, बी। तो ये एंटीजन कहां पाए जाते हैं, आरबीसी में। तो पूछा जाए ब्लड ग्रुप की खोज किस आधार पर की गई, किस प्रोटीन के, उस प्रोटीन का नाम क्या है, एंटीजन, और दो प्रकार के हैं ए और बी। इतना बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम देखते हैं तो इस एंटीजन जो ए पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप ए, जिसमें बी पाया गया बी, और जिसमें ए बी पाया गया ए बी, और जिसमें कोई नहीं पाया गया वो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ हो गया। सेम एंटीजन का ठीक उल्टा, और इसमें एंटीजन को कैपिटल से दिखाते हैं, एंटीबॉडी को किससे दिखाते हैं, स्मॉल से, बी से। तो अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कहां पाई जाएगी, बी में, और एंटीबॉडी कहां पाई जाती है, प्लाज्मा में। कहां पाई जाती है, प्लाज्मा में। एंटीजन कहां पाए जाते हैं, आरबीसी में पाए जाते हैं, और एंटीबॉडी कहां पाई जाती है, प्लाज्मा में। इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो एंटीजन ए का ठीक उल्टा बी, बी है तो ए, जिसमें दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं ए बी में, उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, और ब्लड ग्रुप ओ है जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। अब सवाल हमारा ये है कि इस एंटीजन के आधार पर उन्होंने जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया था तो उस ब्लड ग्रुप में क्या देखना है, कि जिसका ए ब्लड ग्रुप ए है वो किसको दे सकता है और किससे ले सकता है, नहीं वही होगा जैसे मुन्ना के साथ हुआ था। मुन्ना बेचारे के साथ क्या हुआ था भाई, उसको मुन्नी का ब्लड दिया गया तो बच गया, लेकिन माइकल से वो नहीं बचा। इसका मतलब उसमें ब्लड ग्रुप दोनों के क्या रहे होंगे, अलग अलग रहे होंगे। तो उन्होंने ये चार्ट दिया, इस चार्ट ये निर्धारित करता है कि जिसका जो ब्लड ग्रुप है, जो उसके सामने लिया और दिया जा सकता है, उसी से वो ब्लड ले सकता है और दे सकता है, दूसरे आले से वो नहीं ले दे सकता। क्यों नहीं ले दे सकता दूसरे आले से, इसको भी हम देखेंगे। तो अब ये जानना, याद करना कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और ले सकता है,
तो ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से सुने। तो जैसे हमारे यहाँ हमारे रीति रिवाज हैं, शादी विवाह जब हम करते हैं तो हम अपने ही जात में लड़की से शादी कर सकते हैं और उसके अपने ही जात की लड़की को अपने घर लाते हैं और भेजते हैं। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप भी उसी तरीके से है, ये जेनेटिक्स होते हैं। आगे जब हम मेंडल लॉ देखेंगे तो उसमें ब्लड को भी देखेंगे, ये एंटीजन को आई ए और आई बी के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम कैसे समझेंगे, जैसे शादी विवाह होता है कि जो अपने ही जात में लोग क्या करते हैं, लड़की को देना और लेना शादी विवाह में होता है। तो यहाँ जिसका जो ब्लड होगा, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो किसको दे सकता है, ए को, भाई एक ही जाति है, और किससे ले सकता है, तो ए से। तो ये बहुत सिंपल है, जो जिसका ब्लड ग्रुप है वो उसको दे देगा और उससे ले लेगा। चार्ट में देखिए ब्लड ग्रुप ए आला क्या कर रहा है, ए से ले भी ले रहा है और दे भी दे रहा है। बी आला भी क्या कर रहा है, बी से ले लेता है, बी को दे देता है। ए बी आला भी ए बी से लेगा, ए बी को देगा। ओ आला क्या है, ओ से भी ले रहा है और ओ को दे रहा है। ये तो बहुत सिंपल हो गया भाई, याद रखना हमको बस इस चार्ट को कि ए आला ए को दे देगा और किससे दे सकता है, देने के नाम पे। तो हम क्या करेंगे, ए आला ए को दे देगा, ले लेगा। अब सवाल उठता है इसके अलावा किससे ले सकता है और किसको दे सकता है। तो आपको ध्यान देखना है, यहाँ ब्लड ग्रुप ओ है वो किंग है, राजा है। तो राजा तो सबको दान देता है ना, सर्वदाता है भाई, राजा सबको देता है। तो अगर पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप ए किसको दे सकता है, तो आप जानते हैं ए आला ए को दे देगा और ए से क्या करेगा, ले लेगा। इसके अलावा अगर उससे किसी से लेना होगा तो ओ से लेगा, क्यों, क्योंकि ओ क्या है, राजा है। और देने के नाम पे ए अगर किसके अलावा ए के अतिरिक्त किसी को देगा तो किसको देगा, ए बी को, क्योंकि ए बी क्या है, भिखारी है। तो भिखारी को सब ध्यान देते हैं। तो अब और सिंपल हो गया, अब पूछा जाए चार्ट याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ए आला किसको दे दे रहा है तो किसको दे देगा, ए को अपने ही जात में, और लेना किससे होगा, ए से ले लेगा। इसके अलावा अगर लेना है तो दान लेना है तो राजा से लेगा, ओ से, और उसको अगर दान देना है तो भिखारी को देगा, ए बी को। तो देखें ब्लड ग्रुप ए आला, देखिए यहां पे ब्लड ग्रुप ए आला क्या कर रहा था, लेने के नाम पे राजा से लिया और देने के नाम पे भिखारी कौन था, ए बी। बी आले को देख ले, लेने के नाम पे राजा से लिया, देने के नाम पे ए बी, और ये भी तो भिखारी ही है, ये किससे केवल ले सकता है या दे सकता है, ए बी को। तो भिखारी किसकी मदद करता है, भिखारी की ही मदद करता है। और यहाँ ओ आला देने के नाम पे किससे देगा, राजा है, तो राजा तो भाई किससे देगा, सबको दे देगा प्रजा में, लेकिन लेगा किससे, तो केवल राजा, राजा से ही लेगा। तो यहाँ पे देखिए रक्त दे सकता है तो सबको, लेकिन लेने में वो केवल किससे लेगा, अपने दूसरे राजा से ही ले सकता है। इस तरीके से क्या है, ये चार्ट याद करना है आपको। तो राजा होने के कारण ये सबको दे रहा है, तो इसको क्या बोल देते हैं, सर्वदाता बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। और ए भी सबसे ले रहा था तो इसको क्या बोल देते हैं, सर्वग्राही बोल देते हैं, या इसको भिखारी से हम डिनोट किए थे याद करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, केवल आपको याद करने के लिए बताया जा रहा है। ए बी क्या है, सर्वग्राही है, तो ये यूनिवर्सल क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया, क्या हो गया, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो ये चार्ट याद हो गया होगा। अब ये सवाल उठता है कि ए को बी का क्यों नहीं दिया जा सकता, या बी को ए का क्यों ब्लड ग्रुप नहीं दिया जा सकता। आइए इसको देखते हैं। इसको देख लेते हैं क्यों नहीं दिया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है कि ब्लड ग्रुप ए आले को ए का ही दिया जा सकता है, या फिर देने के नाम पे ए बी को ही दिया जा सकता है और लेने के नाम पे ओ से लिया जा सकता है, क्यों नहीं किसी दूसरे ब्लड ग्रुप से लिया जा सकता है, ए को क्यों नहीं ब्लड ग्रुप बी का दिया जा सकता है, ये सवाल है। तो इसको कैसे कर पाएंगे, बहुत ही सिंपल है, आइए देखते हैं। मान लेते हैं
एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, मुन्ना। इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए। तो इसका अगर ब्लड हम देखें तो इसके ब्लड में क्या होगा, तो इसके ब्लड ग्रुप में क्या होगा, तो इसका ब्लड अगर हम देखें तो इसका ब्लड देखते हैं तो इसके ब्लड में एंटीजन क्या होंगे, ए ए होंगे, और एंटीबॉडी क्या होगा, बी बी। यही तो बताया जा रहा है, एंटीजन ए ए और एंटीबॉडी बी बी होगी। नई स्क्रीन ले लेते हैं। सवाल यह है ब्लड ग्रुप ए को, ब्लड ग्रुप ए को जैसा किसी व्यक्ति है, ये है एक व्यक्ति जिसका नाम है मुन्ना, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसको ब्लड दे दूसरा व्यक्ति जिसका नाम क्या है, माइकल। तो ये माइकल को क्यों नहीं ब्लड दे सकता, ये माइकल को ब्लड क्यों नहीं दे सकता, ये माइकल को भाई क्यों नहीं ब्लड दे सकता। तो आइए देखते हैं, अगर ये मुन्ना का ब्लड है, ब्लड ग्रुप ए है, तो इसके ब्लड में एंटीजन क्या होंगे, ए ए। अभी चार्ट में हमने बताया था एंटीजन के आधार पे ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी, बी बी। क्या पाई जाएगी, बी बी। और जो व्यक्ति ब्लड ग्रुप बी आला है, माइकल, इसके ब्लड में क्या पाया जाएगा, एंटीजन बी बी पाए जाएंगे और एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी, ए ए, ए ए पाई जाएगी। तो बी को, जब बी का ब्लड किसको दिया जाएगा, ए का ब्लड जब बी को दिया जाएगा, ब्लड इधर से जा रहा है बी में देंगे, तो इस बी के अंदर क्या होगा, जब ये ब्लड जाएगा तो एंटीजन ए भी चला जाएगा और एंटीबॉडी क्या चली जाएगी, बी भी चली जाएगी। यही तो होगा। तो अब यहां देखिए, यहां पे सेम एंटीजन का सेम एंटीबॉडी हो जा रहा है, क्योंकि यहां ए गया और एंटीबॉडी बी गया, तो इसके पास ऑलरेडी एंटीबॉडी क्या थी, इसके पास एंटीबॉडी क्या थी, इसके पास एंटीबॉडी पहले से ही क्या थी, ए। और इसके पास एंटीजन भी क्या चला गया, ए। तो सेम एंटीजन का जब सेम एंटीबॉडी हो जाता है, तो आपको लिम्फोसाइट में भी बताए थे कि सेम एंटीजन के लिए सेम एंटीबॉडी बनता है उसको नष्ट करने के लिए। तो जैसे ही सेम एंटीजन का सेम एंटीबॉडी होगा तो आरबीसी आपस में क्या हो जाती है, चिपक जाती है। इसे एग्लूटेशन या रक्त का चिपकना कहते हैं, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये बात क्लियर हो पाई है कि नहीं, क्या बात बताई जा रही है कि अगर सेम व्यक्ति है तो दे दिए, जैसे ए को ए का दिया गया जो पहले बताया जा रहा था, तो ब्लड ग्रुप ए आला है तो ए हो, ए को ही दे रहे हैं, जिसके अंदर एंटीजन ए ए और एंटीबॉडी बी पाया जाएगा, जिसमें भी ए है एंटीबॉडी क्या है, बी बी। तो इसका देंगे तो एंटीजन ए ही तो जाएगा, इसके अंदर क्या जाएगा भाई, एंटीजन ए जाएगा और एंटीबॉडी क्या जाएगी, बी। तो सेम एंटीजन का कभी भी सेम एंटीबॉडी नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस केस में अगर ए को बी दे दिया जाएगा तो इसके अंदर सेम एंटीजन का क्या मिल जा रहा है, सेम एंटीबॉडी मिल जा रहा है, जिससे ब्लड आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को उसके ही ब्लड ग्रुप का जो चार्ट बना है, जैसे ए आले को ए का दिया जा सकता है, बी आले को बी का ही दिया जा सकता है। इतनी बात क्लियर हुई होगी, जैसे समझाना चाह रहे थे उसी तरीके से बताया गया है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम क्या देखते हैं, ये तो हो गया, अब हम जानना चाहते हैं आरएच फैक्टर क्या है, आरएच फैक्टर क्या है और इसकी खोज करने की जरूरत क्या पड़ी, किसको, कार्ल लैंडस्टीनर साहब को। तो सन 1940 आ गया खोज का, पहली खोज कब हुई थी, 1902 में, फिर सन 1940 में, सन वही था आपका युगांडा ही, युगांडा में ही क्या हुआ कि सबसे पहले जब ब्लड ग्रुप खोजा गया था तो ये जो मुन्ना था इसको हमको पहले 1902 में तो कुछ पता नहीं था, इसको किसका दिया गया था, ब्लड बी का दिया गया था, मुन्नी का, तो ये बच गया था। लेकिन बाद में किसी तीसरे का दिया गया था जिसका नाम क्या था, माइकल, तो इसका दिया गया था, जिसकी डेथ हो गई थी। अब क्या हुआ, ब्लड ग्रुप का चार्ट बन गया, मुन्ना का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है 1940 में, और इसको जब चोट लगती है ए को तो इसको किसका ब्लड ग्रुप दिया जाता है, सेम व्यक्ति ब्लड ग्रुप,
एक दूसरे व्यक्ति को ब्लड ग्रुप दिया जाता है, जिसका नाम व्यक्ति का, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आकाश। तो आकाश का भी ब्लड ग्रुप ए है, मुन्ना का भी था, इसका जब इसको ब्लड दिया गया तो क्या हो गया, ये इसको जब सेम इन ब्लड ग्रुप वाले को सेम का दिया गया तब भी मुन्ना की क्या हो गई, डेथ हो गई, क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब क्या किया जाए भाई, पहले तो 1902 में चार्ट बताया गया था, तो ये बताया गया था ए को ए का दिया जा सकता है, अब की बार क्या हुआ, ए को ही एक ही दिया गया तब भी डेथ हो गई। अब ये क्या हुआ, कैल एंडस्टीनर साहब ने सोचा कि इसका मतलब ब्लड में और भी कुछ चीजें हैं, और इस बार उनके साथ उनके सहयोगी कौन थे, बीनर भी थे उनके साथ, कौन थे उनके सहयोगी, बीनर भी थे। तो 1940 में कार्ल एंडस्टीनर के साथ कौन आ जाएगा, बीनर भी आ जाएंगे, कार्ल लैंड स्टीनर के साथ कौन आ जाएगा, कार्ल लैंड स्टीनर के साथ कौन आ जाएगा, बीनर भी। अब इन्होंने फिर एक एंटीजन की खोज की, तो इस एंटीजन की खोज करने के लिए इनको फिर कहां जाना पड़ेगा, फिर से उसी बंदर के पास जाना पड़ेगा जिसका नाम क्या था, इस बंदर का नाम रीसस। क्या नाम है, रीसस, रीसस प्रजात का बंदर है, इसके पास जाना पड़ा। और इन्होंने फिर खोजा, तो फिर इन्होंने एक नया एंटीजन खोजा जिसका नाम क्या है, आरएच फैक्टर, आरएच कारक। क्या है, आरएच कारक। तो ये को खोजने की आवश्यकता पड़ी। अब तक हम लोगों ने क्या देखा था, सेम ब्लड ग्रुप वाले को सेम का ही ब्लड देना चाहिए, लेकिन कंडीशन 40 साल लगभग 38 साल बाद ये हुई कि ब्लड ग्रुप ए को ए आला ही दिया गया, लेकिन तब भी उसकी डेथ हो गई। तो फिर से इस रीसस प्रजाति के बंदर को खोजा गया और एक नया एंटीजन खोजा गया जिसका नाम है आरएच। अब यहाँ पे दो प्रश्न होता है कि एंटीजन कितने प्रकार के हैं, तो एंटीजन अभी भी दो प्रकार के हैं, लेकिन जो आरएच आया इस एंटीजन को क्या करते हैं, जो तीसरा था, लेकिन जब पूछा जाएगा दो ही बताएंगे। तो जैसे अगर आप बीमार पड़े, तो आप जैसे मान लीजिए डेंगू रोग से पीड़ित हैं, तो डेंगू रोग से पीड़ित हैं तो आप बीमार पड़े तो आपका ब्लड क्या चेक हुई, ब्लड की जांच की जाएगी, टेस्ट होगा ब्लड का, अगर आप में डेंगू के सिम्टम्स पाए गए तो आपको क्या कह दिया जाएगा, पॉजिटिव, और नहीं पाया गया तो क्या कहा जाएगा, निगेटिव। क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव पाया जाएगा कोई रोग, तो नहीं पाया गया तो निगेटिव। अब इस आधार पे जब ब्लड ग्रुप बनाए गए तो वो क्या हो गए, जिसमें आरएच फैक्टर मौजूद था उस ब्लड ग्रुप को क्या कह दिया गया, पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया गया उसको क्या कह दिए, आरएच निगेटिव। तो जिसमें पाया गया उसको क्या कह दिए भाई, पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया गया उसे क्या कह दिए, निगेटिव। तो अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप में आरएस फैक्टर के हिसाब से, जिसमें आरएस फैक्टर पाया गया तो उसका क्या हो गया, ए पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया गया ए निगेटिव, जिसमें पाया गया बी पॉजिटिव, नहीं पाया गया बी निगेटिव, जिसमें ए बी पाया गया पॉजिटिव, और जिसमें आरएस फैक्टर नहीं पाया गया निगेटिव, जिसमें पाया गया तो ओ पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया गया तो निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव के आधार पे ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हो गए, 8 प्रकार के हो गए, 4 पॉजिटिव जिनमें आरएच फैक्टर उपस्थित है और 4 जिनमें आरएच फैक्टर उपस्थित नहीं है, ये चीज। अब इसके आधार पे चार्ट तो वही होगा जो ले सकता है और दे सकता है, लेकिन अब उसमें भी हम पॉजिटिव निगेटिव के आधार पर देखेंगे। जैसे अब हम देखते हैं ए आला किसको दे सकता था, तो ए और बी को, ए ब्लड ग्रुप ए किसको दे सकता था, ए को और ए बी को। तो अब पॉजिटिव निगेटिव के आधार पर देखेंगे किसको दे सकता है किसको ले सकता है, आइए देखते हैं। तो इसको समझने के लिए हमको चार नियम समझना होगा, यहां पे जो दिया गया है ये चार नियम है, Thank you.
आरएस पॉजिटिव वाले को आरएस पॉजिटिव का दिया जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा, सेफ, उसकी लाइफ बचेगी। और यहाँ आरएस पॉजिटिव अगर हस्बैंड है और वाइफ भी आरएस पॉजिटिव है तो बच्चा हमेशा क्या होगा, चाइल्ड आरएस पॉजिटिव है, क्योंकि ये किसके आधार पे है, जेनेटिक्स के आधार पे है। दूसरा अगर आरएस निगेटिव है और वाइफ भी निगेटिव है तो बच्चा हमेशा आरएस निगेटिव होगा। इसका दूसरा अर्थ क्या है, आरएस निगेटिव वाले को निगेटिव का ब्लड दिया जाएगा तो हमेशा क्या होगा, सेफ होगा। निगेटिव आरएस निगेटिव वाले को आरएस पॉजिटिव को दिया जाएगा तब भी उसकी लाइफ क्या होगी, सेफ होगी। कहने का मतलब हस्बैंड निगेटिव है, वाइफ पॉजिटिव है, तब भी बच्चा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। अगर पॉजिटिव वाले को निगेटिव का ब्लड दिया जाता है, पॉजिटिव वाले को निगेटिव का ब्लड दिया जाता है तो लाइफ क्या हो जाएगी, अनसेफ। इतना बात समझ आ रही है, थोड़ा और क्लियर करते हैं इसको, ध्यान से समझते हैं। कैसे समझेंगे भाई, देखें, जैसे हम ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को क्या कह सकते हैं, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को और क्या कह सकते हैं, तो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को कह सकते हैं ए आर एच पॉजिटिव, मतलब इसके अंदर एंटीजन क्या है, उपस्थित है। अगर ए निगेटिव को क्या कहेंगे, तो ए आर एच क्या कहेंगे, निगेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, आर एच निगेटिव, इसके अंदर एंटीजन नहीं है। और यहां पे आर एस पॉजिटिव को क्या कर सकता है, दे सकता है और लाइफ क्या होगी, सेफ। इसका मतलब कोई भी ब्लड ग्रुप हो, जैसे ए पॉजिटिव वाला है तो ये हमेशा किसको दे सकता है, ए पॉजिटिव को। इस नियम से ये पता चल रहा है, दूसरा नियम क्या है, आर एच निगेटिव प्लस आर एच निगेटिव और ये क्या हो जाएगा, आर एच निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब अगर किसी का ब्लड ग्रुप कोई भी हो, ए निगेटिव है तो किसको दे सकता है, ए निगेटिव को दे सकता है, लाइफ क्या होगी, सेफ। फिर क्या है, आर एच निगेटिव और आर एच पॉजिटिव इक्वल टू क्या है, आर एच पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर किसी का ब्लड ग्रुप निगेटिव है तो वो क्या कर सकता है, किसी भी पॉजिटिव वाले को दे सकता है। चौथा नियम क्या है, आर एस पॉजिटिव प्लस आर एस निगेटिव इक्वल टू क्या होगा, आर एस पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ये पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव है, तो किसी भी निगेटिव वाले को दे नहीं सकता। तो अब सवाल ये उठता है, नियम ये समझ में आ गया होगा, काफी आसान है, आर एस पॉजिटिव प्लस आर एस पॉजिटिव इक्वल टू आर एस पॉजिटिव, यहाँ गणित नहीं लगाना है, बायो है, आर एस निगेटिव प्लस आर एस निगेटिव इक्वल टू आर एस निगेटिव। फिर क्या है, आर एस पॉजिटिव, सॉरी आर एस निगेटिव प्लस आर एस पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आएगा, आर एस पॉजिटिव। फिर क्या है, आर एस पॉजिटिव प्लस आर एस निगेटिव, रिजल्ट क्या आएगा, आर एस पॉजिटिव। कहने का मतलब ये रेशियो जो निकल के आ रहा है कितने जगह, 3:1 का, देखिए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, केवल एक निगेटिव आएगा, वो भी क्या है, जब दोनों निगेटिव हूं। तो ये रेशियो 3:1 है, इसका मतलब अगर यहाँ पे 100 लोग हैं, पूरी जनसंख्या 100 करोड़ है, तो इसमें 75 करोड़ लोगों का ब्लड ग्रुप में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 25 करोड़ लोग क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इसका मतलब 75 करोड़ लोगों के ब्लड में क्या पाया जाएगा, आर एच एंटीजन पाया जाएगा और 25% लोगों में एंटीजन नहीं पाया जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर हस्बैंड पॉजिटिव है, नियम क्या बताता है, वाइफ भी, क्योंकि जेनेटिक्स पे आधारित होते हैं ब्लड, जीन पे आधारित होते हैं, तो आर एच अगर हस्बैंड पॉजिटिव है यानी उसका कोई ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, वाइफ का भी क्या हो, पॉजिटिव हो, तो बच्चा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हस्बैंड निगेटिव है ब्लड ग्रुप में, वाइफ भी निगेटिव है, तो बच्चा भी निगेटिव होगा ब्लड ग्रुप का। हस्बैंड निगेटिव है, वाइफ पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप में, तो बच्चा हमेशा क्या होगा, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ही आएगा, चाहे ए पॉजिटिव आए, चाहे बी, चाहे ए बी, चाहे ओ। या हस्बैंड ए पॉजिटिव हो या हस्बैंड कोई भी ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव हो और वाइफ क्या हो, निगेटिव हो,
तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब 75% लोगों में आरएस पॉजिटिव पाया जाएगा और 25% लोगों में क्या पाया जाएगा, निगेटिव पाया जाएगा। अब इसको कैसे देते हैं इसको देख लेते हैं। तो इसको देखना है हमें, तो पहले ये रूल देख लें। रूल क्या है, पहले वीडियो पॉज कर लें और वीडियो पॉज करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। क्या कहा गया है, नियम कहा गया है देने का लिए, क्या कहा गया है, देने के लिए अगर ब्लड किसी को देना है तो देने में पॉजिटिव वाला केवल किसको दे सकता है, पॉजिटिव को, लेकिन निगेटिव वाला क्या करेगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को दे सकता है। पॉजिटिव देने में पॉजिटिव वाला पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से ले लेगा और निगेटिव वाला केवल किससे लेगा, निगेटिव से लेगा। आइए देखते हैं एक एग्जांपल से। जैसे हम लेते हैं पहले ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बहुत ही सिंपल है बच्चों, एक बार देख लेंगे हमेशा के लिए हो जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका साइंस टेक का डिस्क्रिप्टिव का भी पेपर होगा, उसमें कुछ भी पूछ सकता है ब्लड ग्रुप के बारे में, व्याख्या कीजिए क्या होते हैं पॉजिटिव निगेटिव बताएं, आरएच फैक्टर को 150 शब्दों में समझाएं। तो ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीजन क्या पाया जाएगा, ए पाया जाएगा, एंटीबॉडी क्या पाया जाएगी, बी, रक्त ले सकता है तो ए से ले सकता है और किससे लग सकता है, ओ से, दे सकता है किसको, ए को और ए बी को। बी है ब्लड ग्रुप तो बी एंटीजन, एंटीबॉडी ए, ले सकता है बी से, ओ से, दे सकता है बी और ए बी को, हम देखते हैं इस तरीके से। तो यहां पे अगर ए आला है और हम पहले देख लेते हैं देने का, तो जो ब्लड ग्रुप ए आला है जिसको पहले क्या कर ले, ए पॉजिटिव और ए निगेटिव, ये दे रहा है तो किसको देगा, ए पॉजिटिव को दे सकता है और किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है पॉजिटिव को और किसको दे सकता है, ये ए निगेटिव और ए बी निगेटिव को, क्योंकि अब इस तरीके से हो जाएंगे, चार बन जाएंगे। फिर यहां हम इसको निगेटिव वाले को भी देख ले सकते हैं, ए निगेटिव वाला किसको दे सकता है, तो फिर से हम ए पॉजिटिव बनाते हैं, ए बी पॉजिटिव और ए निगेटिव और ए बी निगेटिव। कहने का मतलब हमको अपने चार्ट में ही रहना है, बस जहां पे वो दो को दे रहा था, ए को ए बी को अब चार कर देंगे क्योंकि वो पॉजिटिव और निगेटिव में डिवाइड हो जाएंगे। तो देने के नाम पे है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कर सकता है, दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव को नहीं दे सकता, क्योंकि फोर्थ नियम जो है आर एस पॉजिटिव प्लस आर एस निगेटिव, रिजल्ट क्या आ रहा था, आर एस पॉजिटिव अनसेफ, तो नहीं दे सकता है। इसको दूसरे तरीके से भी समझे तो समझ सकते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति एल्कोहलिक है, लीकर है, शराब पीता है, तो अगर वो शराब पीता है तो एक तरीके से यहाँ पे जो आर एच एंटीजन है जिसपे पाया जाता है, अगर हम इसको पॉइजन मान ले, जहर मान ले, पॉइजन मान ले, तो ये जहर वाला अगर जो शराब पीने वाला है तो ये शराब पीने वाले के साथ रह सकता है, क्योंकि उसको शराब भी पीने को मिलेगी, दोनों पीते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति जो दूध पीता है और उसको एक दिन उसको हल्का सा तम्बाकू भी खिला दें तो क्या हो जाएगा, उसको चक्कर आ जाएगा। तो कहने का मतलब जब ए आले का जिसके पास एंटीजन है और उसका जब ब्लड, मतलब एंटीजन का मतलब यहाँ क्या समझिए, पॉइजन, तो पॉइजन आला पॉइजन को क्या कर सकता है, ब्लड दे सकता है। ए पायलस का मतलब क्या है, इसके अंदर आर एस फैक्टर है और इन दोनों के पास भी है तो ये इनको क्या करेगा, दे देगा। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, इस जो पॉइजन आला है ये किसको नहीं दे सकता, जिनके पास नहीं है, ए निगेटिव ए बी निगेटिव का मतलब उनमें पॉइजन नहीं है, तो जब पॉइजन नहीं है तो उनको पॉइजन दे देंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या करेगा, ब्लड में एग्लूटेशन की क्रिया हो जाएगी और क्या हो जाएगा, व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये बात इतना क्लियर हो पा रही है कि नहीं, ना हो पा रही हो तो बताएं, फिर से बताया जाए। अब देखिए निगेटिव वाला क्यों दे सकता है, नियम कह रहा है निगेटिव वाला पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को दे देगा, तो निगेटिव वाला क्यों दे सकता है, क्योंकि इसके पास तो जहर नहीं है और जो ले रहे हैं ब्लड उनके पास जहर है, तो अगर जो लोग शराब पी रहे हैं उनको दूध पिला दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो जिनके पास बॉडी में जहर है और देने वाले के जहर
नहीं है इसलिए इनको दे सकता है। निगेटिव वाला निगेटिव को भी क्या कर सकता है, दे सकता है, क्योंकि इनके पास भी पॉइजन नहीं है और देने वाले के पास भी नहीं है। यहाँ पे असर क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि निगेटिव वाले के पास पॉइजन नहीं है और पॉजिटिव वालों के पास पॉइजन है। तो है जिसके पास कोई दिक्कत नहीं, जो दे रहा उसके पास तो नहीं है, अगर होता भी तो कोई असर ना पड़ता क्योंकि इनके पास ऑलरेडी पॉइजन है। इसको हम पॉइजन से रिलेट करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब हम लेने का देख लेते हैं, ये तो देने का था, अब लेने का देखते हैं। तो ये तो था लेने का देखते हैं। तो लेने में मान लीजिए हम ए का ही बता रहे हैं, ब्लड ग्रुप ए आला है तो ले किससे सकता है, ए और ओ से। तो मान लेते हैं ए पॉजिटिव बनाते हैं, ए नेगेटिव, लेने का तो लेगा किससे, ए से और ओ से। तो इसको पहले पॉजिटिव कर दें और इसका क्या बना लें, एक नेगेटिव बना लें। नेगेटिव वाले के लिए भी क्या करें, पॉजिटिव बना लें और क्या बना लें, नेगेटिव। तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव वाला किसको दे सकता है, पॉजिटिव वाला किसको दे सकता है। तो यहाँ लेने का नियम क्या दे रहा है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले लेगा। यहाँ एरो उल्टा कर देंगे इस तरीके से, इन दोनों के पास जहर है तो ये जहर वाले को क्या कर, पॉइजन, एंटीजन का मतलब पॉइजन, तो ये जहर वाले क्या कर सकते हैं, जहर वाले को दे सकते हैं। इन दोनों के पास जहर नहीं है और इसके ए वाले के पास है तब भी ये ले सकता है, कौन सी कंडीशन हो जाएगी, आर एच निगेटिव वाला किसको दे सकता है, आर एच पॉजिटिव को। और क्या हो जाता है इसमें, रिजल्ट आर एच पॉजिटिव आता है, सेफ कंडीशन होती है, तो ये हो जाएगा क्योंकि इनके पास तो पॉइजन है नहीं, लेने वाले के पास है तो क्या बात है भाई, ले लेगा। यहाँ निगेटिव वाला जो है ये पॉजिटिव से क्यों नहीं ले सकता है दोनों से, क्योंकि इनके पास पॉइजन है, अगर देंगे तो इसके पास भी क्या हो जाएगा, एंटीजन आ जाएगा, और एंटीजन आ जाएगा इसके अंदर तो इसको क्या बनानी पड़ेगी, एंटीबॉडी, जिससे ब्लड क्या हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे। यहाँ निगेटिव वाला क्या है, निगेटिव से आसानी से ले सकता है क्योंकि इसके पास भी पॉइजन नहीं है, एंटीजन नहीं है, इसके पास भी नहीं है। इसलिए इस नियम को याद रखें, चार्ट वही होगा। तो आप चार्ट के हिसाब से, जैसे पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव किसको दे सकता है, तो नियम क्या कह रहा है, देने का। तो देने में आप क्या कर सकते हैं, नियम देखिए, देने का तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ही देगा, इसका मतलब अगर पूछा जाए ए पॉजिटिव किसको देगा, तो देने का नियम क्या है, ए को या ए बी को, तो ए पॉजिटिव हमेशा ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को देगा। लेकिन निगेटिव वाला क्या कर सकता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों को दे सकता है, तो ये ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव, ए निगेटिव और ए बी निगेटिव दोनों को देगा। अगर पूछा जाए लेने के लिए तो ए पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों से ले लेगा। इसी तरीके से चारों ब्लड ग्रुप में होगा और इसमें यूनिवर्सल डोनर बन के कौन आएगा, ओ निगेटिव, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर बन के कौन आएगा, ए बी पॉजिटिव। जैसे जा रहे थे वैसे चीजें अगर समझ में आई होंगी आपको, उम्मीद है पूरी तरीके से ये आपका टॉपिक हो गया है पूरी तरीके से। अभी इसमें हम देख सकते हैं ब्लड ग्रुप कैसे निकाला जाता है, तो उसको देखेंगे आगे।